मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व भिंड लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि यहां से दलित नेता के रूप में पहचान रखने वाले फायर ब्रांड नेता फूल सिंह बरैया को 64,840 वोट से भाजपा की संध्या राय ने करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस नेता बरैया ने अपनी हार की जिम्मेदारी खुद ली है। उनका कहना है कि यदि उन्हें थोड़ा वक्त चुनाव तैयारी के लिए और मिल जाता तो परिणाम कुछ और होते। इसके तहत ही बरैया ने भिंड लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि अगर मेरे फॉर्मूले को कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती तो प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस ऐतिहासिक जीत हासिल करती, लेकिन उन्होंने मेरे उसी फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कोई सीनियर कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं पूज्य कांशीराम जी के जो आंदोलन था बाबा साहेब अम्बेडकर का, फुले साहू अम्बेडकर के आंदोलन का मैं सिपाही हूँ, था, अभी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए, मैं चाह रहा था कि देश को कांग्रेस की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो देश खत्म हो जाएगा, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश का संविधान खत्म हो जाएगा। तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं पार्टियां, उन पार्टियों को हराने के लिए मैं कांग्रेस के अंदर आया और कांग्रेस के साथ हूं। अब कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नहीं हो सकता, उनके दिमाग में होगा कि इनका फॉर्मूला हम क्यों अप्लाई करें। वो फॉर्मूला जिस दिन अप्लाई हो जाएगा इस देश में, भारतीय जनता पार्टी को जमानत बचाने लायक वोट नहीं मिलेंगे।